मैंने अपना बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं करवाया, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस टाइम सिचुएशन ये बनी हुई है कि लोग कंफ्यूज हैं। अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो भी वो डर रहे हैं, नहीं कराया तो भी उनको डर है। ये आपने एक बार करा लिया, सरकारी विभाग के लोग आएंगे, वन विभाग के लोग आएंगे और आपके परिंदे ले जाएंगे, दिक्कत बन सकती है। क्योंकि दोस्तों आप कब तक छुपेंगे, आप खुद बताइए आप कब तक छुपेंगे। अगर आपकी कंप्लेन किसी ने कर दी फिर आप उसमें क्या कर लेंगे, फिर जब सरकारी विभाग को कुछ करना होगा तो फिर वो अपने हिसाब से करेंगे। सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आसिम पठान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ बजीज अनफिक्स्ड। दोस्तों अगर आप इंडिया में रहते हैं और बर्ड का शौक रखते हैं तो आपको पता होगा आजकल रजिस्ट्रेशन का सिलसिला चल रहा है। काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अपने बर्ड का रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना, तो इसी सिलसिले में आज बात होगी। मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा कि हमको करवाना है या नहीं करवाना है। मैंने अपना बर्ड का रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं करवाया, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा। तो उसको जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है और दोस्तों वीडियो स्किप नहीं करनी है। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं कहूंगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही बर्ड से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं और आपको गाइड करता रहता हूं। दोस्तों काफी सारे लोग कंफ्यूज इसलिए भी हैं, वो ये डर रहे हैं अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वन विभाग की टीम आएगी और उनके बर्ड उठा के न ले जाए कहीं, कि उन्होंने किस तरीके से बर्ड रखे हुए हैं, दाना पानी ठीक से है या नहीं है, टेम्परेचर ठीक है या नहीं है, केज का साइज कैसा है, तो इन सब चीजों को लेके लोग डर रहे हैं। दूसरा कन्फ्यूजन लोगों के अंदर ये है अगर हमने नहीं कराया तो ऐसा ना हो कि हमको जेल हो जाए और हमारे बर्ड को उठा के वन विभाग ले जाए। तो ये सारे कन्फ्यूजन आपके मैं दूर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आपसे एक बहुत ही ज्यादा सिंपल बात बोलना चाहूंगा। इंसान जो है हमेशा सिर्फ दो ही वजह से फंसता है, एक फंसता है वो खुदा का कानून तोड़ने पर और एक फंसता है वो अपने देश का कानून तोड़ने पर। तो अगर आप खुदा का कानून नहीं तोड़ेंगे तो भी सेफ हैं और देश का कानून नहीं तोड़ेंगे तो भी सेफ हैं। तो ये छोटी सी बात से आप सारी बात समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। फिर भी जो लोग नहीं समझे होंगे तो मैं उनको डीपली समझा दूं। तो दोस्तों आप ऐसा काम ना करें जिससे आप डर डर के जिए। अगर आपने 2 पेयर, 10 पेयर, 20 पेयर या 50 पेयर अगर आपने रखे हुए भी हैं तो आप ऐसा काम करें कि आपको बिना डर के ही जीना पड़े। अगर आप छुपा के रखेंगे अपने बर्ड्स को तो भी कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको एक एक आहट आपको परेशान करेगी। यानी कि अगर आपको पता लगेगा कि आपके दोस्त के यहाँ छापा पड़ गया, उसके यहाँ बर्ड रखे हुए हैं, तो दोस्तों आप वैसे ही घबरा जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके पास होंगे बर्ड या तो आप उसे उड़ा देंगे डर की वजह से या किसी को दे आएंगे कि भाई आप रख लो। तो दोस्तों आप ऐसा काम करें क्यों जिससे आपको डरना पड़े। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूँ। दोस्तों अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं, मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो करते हैं अपने बर्ड्स के लिए, तो दोस्तों आप मेरी इस बात को भी माने कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। चाहे आपके पास बजीज हो, चाहे लबर्ड हो, जावा हो, फिंच हो, कॉकटेल हो, कुछ भी हो, आप करा लें। कुछ चीज़ ऐसी हैं जिसका रजिस्ट्रेशन है नहीं, जैसे कि बजीज है, फिंचेस है, ये सुना है मैंने कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया है रजिस्ट्रेशन। बाद में रिजेक्ट होके आ जाएगा वो एक अलग बात है। आप जैसे कि बजीज पैरट है, कॉकटेल है, फिंचेस है, इसका दोस्तों सुना है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अलग बातें नहीं है। लेकिन दोस्तों आप अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी कमी ना छोड़ें, आप अपनी तरफ से सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा के चलें। और अगर रिजेक्ट होना है वो सरकार की तरफ से हो जाएगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, कम से कम आपको तसल्ली तो हो जाएगी कि आप करवा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार करा लिया, सरकारी विभाग के लोग आएंगे, वन विभाग के लोग आएंगे और आपके परिंदे ले जाएंगे, ऐसा कोई मामला नहीं है। आप अच्छे से अपने बर्ड्स को रखें और नहीं करवाएंगे तो आपकी दिक्कत बन सकती है। क्योंकि दोस्तों आप कब तक छुपेंगे, आप खुद बताइए आप कब तक छुपेंगे। अगर आपकी कंप्लेन किसी ने कर दी फिर आप उसमें क्या कर लेंगे, आप क्या करेंगे, फिर उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर जब सरकारी विभाग को कुछ करना होगा तो फिर वो अपने हिसाब से करेंगे। तो दोस्तों आप करवा लें रजिस्ट्रेशन, मैं करवा चुका हूँ अपने बर्ड्स का सारा रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूँ, बजीज का करवा चुका हूँ मैं, फिंचेस का करवा चुका हूँ और लबर्ड्स का करवा चुका हूँ। मैंने सुना है जो नॉन रिंग लबर्ड्स हैं उसका भी रिजेक्ट हो रहा है, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा जिसके पास रोजी ग्रुप के लबर्ड हैं, नॉन रिंग जिसको बोलेंगे, और रिंग का होना है लबर्ड में आपका। बहुत सारे जो बड़े बर्ड्स हैं उनका होना है, मैं सबका नाम पर्टिकुलरली इंडिविजुअल यहाँ पर नहीं लेने वाला। मैं आपसे बस नहीं बोलूंगा, आपके पास जितने परिंदे हैं आप सबका रजिस्ट्रेशन कर दें,
जो रिजेक्ट होना होगा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, वो सरकार की तरफ से होगा, आपकी तरफ से कोई भी कमी नहीं छूटनी चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास तो बस एक ही म्यूटेशन है जिसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वो है दोस्तों मेरे पास रिंग म्यूटेशन लवबर्ड, ठीक है। इसके अलावा जो रोजी ग्रुप पर जो आपको यहाँ नजर आ रहा है साइड में, पीछे नजर आ रहा होगा आपको, तो दोस्तों इसका मुझे लगता है रिजेक्ट होके आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ज़ेब्रा फिंचर मेरे पास, इसका भी रिजेक्ट होके आ जाएगा। इसके अलावा बजिस पैरट है, इसका भी रिजेक्ट होके आ जाएगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने सही से पूरी तरीके से मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला कि किसका होना है किसका नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों बाद में आप लोग मुझसे ये ना कहें कि आसिम भाई आपने तो ये कहा था कि इस वाले बर्ड का नहीं होना है और इसका तो होना था और डेट निकल गई, आसिम भाई आप क्या करें। इसलिए मैं आपसे कहूंगा सभी का करा दें, आप बजिस पैरट का भी करा दें, लव बर्ड का भी करा दें, कॉकटेल का भी करा दें, ठीक है। सरकार की तरफ से जो होना होगा हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात से सब समझ गए होंगे कि आपको करवाना है और कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, 10 मिनट लगते हैं दोस्तों। जहां पर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है तो दोस्तों उस पोर्टल का नाम है परिवेश पोर्टल, ठीक है। परिवेश पोर्टल के नाम से एक आपको पेज खुल जाएगा, गूगल पे जाके आप उसको लॉगिन कर लें, उस पर अपनी आईडी बनाएं, तो सारे काम उस पर हो जाएंगे वन बाय वन। और अगर दोस्तों आपको कुछ समझ नहीं आता तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ दोस्तों काफी लोगों पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा, आप उस पर भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। कॉल मत करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कॉल ना करिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं सबकी कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। इसके अलावा मेरे पास पर्सनल वर्क भी होता है अपना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है अगर आपके लिए यूजफुल हो अपने दोस्तों तक, दोस्तों इसको ज़रूर शेयर कर दिएगा, क्योंकि हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ जाए, किसी के जो बर्ड हैं जो बर्ड लवर हैं उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा ये, क्योंकि खामखा अगर डेट निकल जाए और बेचारा वो नहीं करवा पाए रजिस्ट्रेशन तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी बग का ख्याल रखें, और दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।